अस्सलाम वालेकुम कसौटियत ओपन माइक कैफे में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और आज का शो है हमारा थोड़ा डिफरेंट। टीम डिवाइडेड सेक्शंस में बैठी हुई है। सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराऊंगी, स्काइप पे हमारे साथ मौजूद हैं FSJ, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। और मेरे सामने हैं शकील साहब और उनके साथ डमी म्यूजियम से तशरीफ लेकर आए हैं शेख रशीद साहब। एक हमारे साथ मौजूद है कारकुन PTI के और एक मुस्लिम लीग नून के। आप सबको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो चुरलू फिर गया जी। चुरलू फिर गया मतलब क्या होता है मेरे भाई? चुरलू फिर गया, इलेक्शन चुके बाहर मारे हैं तनु। चलो चुके भाई, 5 सीटें वो हम जीते हैं जो पहले कभी नहीं जीते। कोई ऐसी किस किस्म का चुरलू था मेरे भाई? मर के जीते हैं आप लोग, 36,000 हमें मिला है तो 38,000 आप लोगों को वोट मिला है, इस बात की खुशी कर रहे हैं आप लोग? खुद शर्म आनी चाहिए बात करते हुए भी। दादी शर्म आनी चाहिए। मैंने शर्म शुरू नहीं तो मैं कन्ना दे लाला नहीं होएगा कन्ना। यार एक मिनट जरा डर साहब, क्या हाल है आपका? सुभान अल्लाह। लो शे डंग डगाने टैप टैप डंग डगाने टैप टैप मैडम। शकील साहब, शेख साहब कैसे हैं? मैं मुझे छोड़े तबीयत आपकी मुझे पूछनी चाहिए, आज अदास तो बहुत हो गए तम। FSJ साहब कांग्रेचुलेशंस, देखिए तारीख रकम हो चुकी है। ये गेट नंबर 4 के बाहर क्या लिखा है? मुझे खतरा था। ये मेरा बेटा है, इसका आज एंगेजमेंट थी। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, मुबारक हो आपको। बहुत मुबारक हो सर आपको। भाई मुझे इस बात में समझ नहीं आती PTI वाले इतने नेगेटिव क्यों हैं? ओए देखो तुम्हारे वे लश्कर के सिपाही हो, अपनी औकात में रहो। शेख साहब आप कितना अरसा रहे इस हारे हुए लश्कर के साथ? यही कोई पूछ लें, आपको नहीं पता पूछ लें। FSJ साहब कितनी ऐसे रहा हूं मैं? कम से कम 15 साल। हाँ 15 साल, 15 साल मैं मेहनत किया। मैं कैसी गल, उन्होंने शेख रशीद बनाया, नवाजुद्दीन सदीकी बन गया। चले जी मेरा मजाक उड़ रहा है, बाहर जाएं डॉक्टर साहब। कौन है? अपने पेट्रन की तरफ चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली। ये मेरी मिसेज हैं। आपका ताल्लुक कहाँ से है? लाहौर से। चलिए आपको वेलकम करते हैं कैफे में जी। हम स्टार्ट करते हैं शकील साहब एंड FSJ। महफल को जो कश्ते ज़ाफ़रान करता है आज वो हमें नहीं है, वो हमें ज्वाइन करेगा कुछ दिनों में। अच्छा, वैसे कहाँ है वो मौसूफ, कहाँ रह गए? वो कहाँ है वैसे, ये तो बताएं हमें। अमेरिका दी आवाम नु दबके मार रहे हैं। अच्छा जी, डॉक्टर साहब लेट्स स्टार्ट। जी सर। अली साहब मर्द? यस। जिंदा? यस। एशियाई? यस। साउथ एशिया से ताल्लुक अली साहब? यस सर। अच्छा जी, साउथ एशिया से ताल्लुक है तो ताल्लुक पाकिस्तान से? यस सर। शोभा, तो मर्द जो जिंदा है और पाकिस्तान से ताल्लुक है? जिंदा पाकिस्तानी मर्द। शोभा पे चलिए जी। अली साहब सियासत और हुकूमत से ताल्लुक? नहीं। इल्म और फजल? नो। स्पोर्ट्स होगा फिर जी? स्पोर्ट्स भी हो सकता है, शोबिज भी हो सकता है, सो लेट्स गो टू स्पोर्ट्स फर्स्ट। तो स्पोर्ट्स से ताल्लुक अली साहब? यस सर। पहला बताती होती हूँ जब हाफ हो जाते ना 10 क्वेश्चन। अच्छा जनाब, ये रिटायर्ड है? यस। अब रिटायरमेंट का देख लेते हैं कि जी 10 साल पहले हुआ, 5 साल पहले हुआ, ये भी चेक कर लेते हैं। 15 साल से ना शुरू करें। 15 से कर लें? हाँ। तो 15 साल से ज्यादा हो गया जी रिटायरमेंट को? यस। अच्छा जी, 15 से ज्यादा, इसका मतलब हुआ 2007। इसको जी अब शकील साहब इसको ले जाएं आई थिंक 30 साल पे। अली साहब रिटायरमेंट को क्या 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नो सर, 30 साल से कम है। इसका मतलब हुआ 1992 से लेकर 2007 के दरमियान। यस। इसमें ऑब्वियसली आपके एक वर्ल्ड कप जिन प्लेयर्स ने खेला 92 में वो भी आ जाते हैं, जिसमें जावेद मियांदाद है, जिसमें इमरान खान खुद है, जिसमें रमीज भी इसी में आ जाते हैं। 2007 से पहले ही रिटायर हुए
इसमें वकार यूनुस भी आ जाते हैं, इसमें मुश्ताक अहमद भी आ जाते, सरफराज नवाज, सरफराज भी आ जाते हैं, बिल्कुल सरफराज भी आ जाते हैं। पहले ये डिटरमिन कर लेते हैं कि बॉलर है या बैट्समैन है। अली साहब, अच्छा अली साहब, इनकी इनकी वजह शोहरत क्या बैटिंग है? नो नो 13 क्वेश्चंस, 13 सवाल। बॉलर भी हैं, विकेट कीपर भी हैं। खैर विकेट कीपर नॉर्मली बैट्समैन भी होते हैं बट बॉलर पे आ जाते हैं, तो आई थिंक फास्ट बॉलर डिटरमिन कर लें। जी अली साहब, फास्ट बॉलर हैं। यस, तो इसमें आपके वकार यूनस हैं, इसमें आपके वसीम अकरम हैं, इसमें आपके आकिब जावेद हैं। अच्छा जी, लेफ्ट आर्म बॉलर हैं ये? यस। लो, इनको किंग ऑफ स्विंग भी कहा जाता है? यस। अच्छा जी, मजे की बात और... ये कि ही इज वेल प्रिपेयर्ड, वो सवाल खत्म होने से पहले जवाब, वो किंग ऑफ स्विंग। यस अली भाई, इतनी जल्दी काहे की है, कहीं आपको जाना है? नो सर। अच्छा जी, वर्ल्ड कप 92 के फाइनल में इन्होंने दो गेंदों पे दो विकेटें ली थी? यस। लैंप की और क्रिस लुइस की? यस। आपने वसीम अकरम का पूछा है? जी सर। ये वाह, क्या बात है। वसीम अकरम बॉलर भी, बॉलिंग की वजह से उनकी वजह शोहरत है बट वो बैट्समैन भी बड़े डेविस्टेटिंग बैट्समैन थे। जी जी, उनका वर्ल्ड कप के फाइनल में भी 32 रन उन्होंने जो बनाए थे वो बड़े क्रूशियल थे और बहुत जल्दी उन्होंने बनाए थे। यस, और आजकल उन्होंने एडवर्टाइजिंग में अपना नाम पैदा किया हुआ है। वसीम अकरम की फीचर फिल्म आ रही है सर, मनी बैक गारंटी। यस, मनी बैक गारंटी, हाँ जी, फिल्म का नाम है। वसीम अकरम जो है ये बड़ी अर्ली एज पे इनको मौका मिला खेलने का और इनका जो था न्यूजीलैंड की सीरीज थी उसमें इनकी बड़ी नुमाया कारकर्दगी थी, पहला स्कोर जो था। बेहतरीन बॉलर सर, कमाल की उनकी महारत थी गेंद के साथ। वो कहते थे ही मेक्स द बॉल टॉक। यस वाओ, जैसे वो चाहते थे गेंद को वहीं पर फेंकते थे जहां उन्होंने फेंकना होता था, जितना चाहते थे वो गेंद हवा में भी घूमता था, जमीन पर पड़ के भी वो घूमता था। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए कसौटी एट ओपन माइक कैफे। वेलकम बैक, अब हम अपने नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओए सांप आ गए, ओए की गल, माइक ते मक्खी बैठी सी। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम अकबर लूना है। आपका ताल्लुक कहाँ से? मेरा ताल्लुक शोरकोट कैंट डिस्ट्रिक्ट जंग से। सो वी वेलकम यू इन द शो। थैंक यू सर। सवाल शुरू करते हैं। शख्सियत मर्द? नो। हाँ खातून? ओ खातून। जिंदा? यस। एशियाई? यस। हेलो। पाकिस्तान से ताल्लुक? यस। Yes. Okay. वाह, अब तो साउथ एशिया पे भी नहीं गए सर, सवाल बचाने की क्या बात है। सियासत हुकूमत से ताल्लुक? नो सर। नो। अच्छा जी ये बताइए, शोबे से ताल्लुक? यस सर। हेलो, वेरी गुड। एकी हो रहे हैं। तीर पर हदफ क्वेश्चन। ये शो की एंकर हैं? नो सर। इनका ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से है? यस सर। फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक है, जिंदा है? यस सर। इनकी वजह शोहरत एक्टिंग है? यस सर। अकबर साहब कोई रिटायर्ड एक्ट्रेस? यस सर। शकील साहब लेट्स डिटरमिन कि उर्दू या पंजाबी फिल्म? यस। अच्छा जनाब, इनकी वजह शोहरत पंजाबी फिल्म में है? नो सर। 11 सवाल। अच्छा रिटायर्ड एक्ट्रेस जिसकी वजह शोहरत उर्दू है, एक तो बाबरा शरीफ है वही ज़हन में आती है, एक ज़ेबा है, एक ज़ेबा, ज़ेबा हयात है? जी सर। जी जी, शबनम ज़िंदा है। शबनम इस बांग्लादेश की, लेकिन पाकिस्तान। हाँ शबनम बांग्लादेश है। अच्छा जी, वही मुराद के साथ पेयरिंग इनकी, वो तो ज़ेबा का पता चल जाएगा। फिर आपकी निशो भी हैं बाय द वे, वो भी उनका भी, उनकी भी वजह शोहरत उर्दू फिल्म में, और उनकी बेटी ने भी जो है थोड़ा बहुत काम किया है उर्दू फिल्मों में, और उनके खावन जो है वो बड़े वेल नोन है, रैम्बो। यस, वो भी हम जानते हैं।
ठीक है जी। तो पहले तो आते हैं कि जी पीरियड पे आ जाते हैं कि पीरियड इनका क्या था। एक तो 70s है, ठीक है ना, जो वहीद मुराद के साथ ज़ेबा की बड़ी फिल्में हैं, मोहम्मद अली के साथ की फिल्में हैं, वो है 70s का पीरियड। तो ये रिटायर हुए देख लेते हैं को कितने साल। अकबर साहब रिटायरमेंट को 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं। नो सर। तो ज़ेबा की चांसेस कम हो गए, बाबरा शरीफ के बढ़ गए। बाबरा शरीफ के बढ़ गए। यस। उनका एक बड़ा मशहूर जो था ना टेलीविजन का कमर्शियल था बर्क वॉशिंग पाउडर का। अच्छा ये पूछ लीजिए कि हीरोइन आई है या कैरेक्टर एक्टर है, ये भी हमने डिटरमिन नहीं किया। ये इन ऑल प्रोबेबिलिटी हीरोइन ही होंगी। तो अकबर साहब ये हीरोइन आती रही हैं। यस। क्वेश्चन कितने हो गए डॉक्टर साहब? 13 सवाल। बाबरक के बारे में उनकी फिल्म का लाहौर में रहायश है, खैर लाहौर में रहायश निशो की भी है, मुझे ज्यादा तो ये बाबरक शरीफ ही लग रही है। अकबर साहब इन्होंने क्यों टेलीविजन के इश्तहार में भी काम किया हुआ? यस सर। ये बर्क वॉशिंग पाउडर, अकबर साहब इनका बर्क वॉशिंग पाउडर में इन्होंने काम किया? यस सर। बाबरा शरीफ का जी। वाह। यस सर। बाबरा शरीफ जो है वो बहुत उनका जबरदस्त करियर था। शी बर्स्ट ऑन टू द सीन इस टेलीविजन कमर्शियल के साथ जी। उसके बाद उनको फिल्में मिलनी शुरू हुई और उनको बतरीज फिल्में मिलती गईं। ये उनमें से हीरोइंस में से थी जिनको कम ही किसी ने ना पसंद किया। सर मैंने जो देखा है, ऑब्जर्व किया है ना, आई थिंक शी डिड वेरी सिलेक्टिव वर्क। उन्होंने बहुत आम काम नहीं किया, थोड़ा सा किया है, लेकिन उसके अंदर जो एक उनके अंदर एक वो थी ना इलेक्ट्रिफाइंग एनर्जी। उन्होंने एनटीएम के लिए एक सीरियल भी किया, सीरीज भी की थी, नादान नादिया। एग्जैक्टली। तो अनवर मकसूद साहब ने लिखी थी। तो अपने पेट्रन की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? अकलीम तौर। आपका ताल्लुक कहाँ से है? जी मेरा ताल्लुक फैसलाबाद की तहसील तांदले वाला से। वेलकम टू द शो तौर साहब। जी थैंक यू सो मच। तांदले वाले दे बड़े बड़े सिंगर हुए ने जी, अली अब्बास, असद अब्बास, अमानत अली, वो जो अमानत अली। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं। वाह। ओ परेशान हूँ। अमानत अली का बड़ा नाम है इस गाने। इस गाने से लता जी रोना पै जाने के, और कह तू गलत गाया। तूर साहब की तरफ चलते हैं। तूर साहब शख्सियत मर्द जी, जिंदा जी, एशियाई जी, पाकिस्तानी पे मरखल चलें सीधे। सर आप पे डिपेंड करता है। पाकिस्तानी जी, पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी। दो तीन क्वेश्चंस बच गए हमारे। तूर साहब इनका जो ताल्लुक है सियासत और हुकूमत से? जी बिल्कुल। क्या बात है एफएसजे। वेरी गुड। तो सियासत और हुकूमत से ताल्लुक है, जिंदा है मर्द जी। अच्छा जी, सियासत और हुकूमत का मतलब है कि ये किसी ना किसी पोजीशन पे भी रह चुके हैं। ये भी पूछा जा सकता ना कि अभी एक्टिव हैं या? जी बिल्कुल, पूछिए पूछिए। तूर साहब अभी एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में? जी। अच्छा जी, ये किसी पार्टी के हेड हैं? जी। यार ये पार्टी क्या के हेड भी हैं, एक्टिव भी हैं। अल्लाह, ये तो बड़ा तीर बहादुर क्वेश्चन था सर। एग्जैक्टली, और मुझे लग रहा था कि ये जाये हो जाएगा क्वेश्चन। अच्छा आज आफताब इकबाल साहब ने ना सारे एक्टिव होए ने बात है ना। ओदा भाई दा खौफ ही एडा रे, बंदे नु समझ आया बंदा भूल जांदा। नहीं नहीं, ये दोनों उनके कलीग्स कम टीचर्स भी हैं, इनां दी गल नहीं कर रहे। अच्छा अच्छा जनाब, तो तीन चार पार्टी के हेड देख लेते हैं जी। एक तो आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हेड है, एक आपके पीपीपी के चेयरपर्सन जो है वो तो बिलावल भुट्टो है, उसके बाद JYF आपके मौलाना फजलुर रहमान है। आजकल PMLN का नहीं पता चलता कौन है हेड। मरियम नवाज है, शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है। आप क्या कहते हैं?
कौन है? नवाज शरीफ ही थे जी और नवाज शरीफ ही रहेंगे। ये भी पूछा जा सकता है ना जी कि ताल्लुक पंजाब से? हाँ पूछे जी। तूर साहब ताल्लुक पंजाब से? नहीं, तो रह गया सिंध और रह गया केपी। मोस्ट प्रोबेबली केपी, केपी होगा ये। तूर साहब केपी कैसे ताल्लुक? नो हेलो सिंध में चले गए। सिंध से ताल्लुक जी। अच्छा, 10 सवाल। तो बाप है या बेटा है? ज्यादा चांसेस बेटे के हैं। जनाब तूर साहब आजकल इनके पास मिनिस्ट्री है? नहीं। ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं जी? ये पाकिस्तान के सदर रह चुके हैं। इनका कहा यह जाता है कि ये सब पे भारी हैं जी। पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले जी। तूर साहब आपने आसिफ अली जरदारी साहब का पूछा जी? बिल्कुल। एफएसजे साहब, जरदारी साहब के बारे में चंद कलमात अता करें। बड़ा इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है इनका। ये पटारों से पड़े हुए हैं और इनके साथ जो पटारों में लोग थे वो आज भी इनके साथ ही हैं, ठीक है ना, जिसमें डॉक्टर आसिम भी शामिल हैं, कुछ और लोग भी हैं। उसके बाद इनका जो है ये सेंट पैट्रिक से पड़े कराची में, फिर बैम्बिनो सिनेमा से इनका ताल्लुक रहा। इनके वालिद जो है वो उसके मालिक थे और बहुत कुछ कहा जाता है उसके बारे में कि जी बैम्बिनो सिनेमा में ये क्या किया करते थे। ये इस वक्त जो है ना ये को चेयर पर्सन है जी, पार्टी के जी जी। हम सब जानते हैं कि इनकी असल जो पॉलिटिक्स में एंट्री हुई वो बेनजीर भुट्टो शहीद के साथ जब इनकी शादी हुई 1987 में, और बहुत उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग था कि वो जो लियारी में ककरी ग्राउंड है वहाँ पर अवामी रिसेप्शन हुई बहुत बड़ी। फिल्मों में एक्टिंग भी की हुई है, चाइल्ड स्टार काफी। फिल्म में एक्टिंग भी एज ए चाइल्ड एक्टर। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एज ए चाइल्ड एक्टर इन्होंने फिल्मों में एक्टिंग भी की, सालगिरह में किया और कुछ सिंधी फिल्में भी की हुई है। इस वक्त एक ब्रेक का, वेलकम बैक। अपने चैलेंजर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम क्या है? फैसल शहजाद। फैसल साहब आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा पीर महल टोबा टेक्सिंग से। जी सर, फैसल साहब हम शुरू करते हैं। फैसल साहब शख्सियत मर्द जी? जिंदा यस। पाकिस्तानी Yes. ये क्या हो रहा है? ना एशिया ना साउथ एशिया। सीधा आपने छलांग मार दिया। कमेंट्स आएंगे, इनको पहले से पता था ये क्या हुआ। तीर बहादुर क्वेश्चन भी तो हो सकता है। नहीं, पहले एशिया के बाद साउथ एशिया उड़ना शुरू हुआ, अब तो एशिया ही नहीं आया। थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है जी सर। अच्छा शकील साहब, जनाब मर्द है, जिंदा है और पाकिस्तानी पाकिस्तानी है, शोबे पे जाए। सियासत और हुकूमत फैसल साहब से भी है? भी है। इल्म फजल से ताल्लुक नहीं है, स्पोर्ट्स से ताल्लुक नहीं है, सियासत हुकूमत से ताल्लुक नहीं है। एक रह गया बिग बिजनेस, साइंसदान भी रह गए, टेक्नोलॉजी रह गया। लेकिन कौन जहन में आता है जिसका सियासत से भी ताल्लुक है? हाँ वो सोचने की जरूरत है कि इकोनॉमिस्ट भी हो सकता है ना, जैसे शौकत तरीन है, बैंकर है, इकोनॉमी से ताल्लुक है, बिग बिजनेस से ताल्लुक है। पाशा साहब हो सकते हैं? पाशा साहब हो सकते, मिनिस्टर रहे हैं जी, वो भी हैं, वो जिंदा हैं। लेकिन इल्म फजल वो तो बन जाता है ना फिर? नहीं, इल्म फजल मुझे समझ में आई, कोई किताब लिखी हो, कोई उनकी तसनीफ हो, कोई उन्होंने शेर व शायरी की हो। फैसल साहब ताल्लुक इल्म फजल से? जी उनसे भी है, यानी सियासत और हुकूमत से भी है और इल्म फजल से भी है। फैसल साहब इन्होंने कोई किताब भी लिखी है? जी बिल्कुल। 8 सवाल हो गए। लेकिन साहब जी, जो किताबें जो जहन में आती हैं, एक तो चौधरी शुजात ने किताब लिखी है, ठीक है ना, पॉलिटिक्स से बहुत गहरा ताल्लुक है उनका। उसके बाद जो आपके फॉरेन मिनिस्टर रहे कसूरी साहब, उन्होंने किताब लिखी है,
उसके बाद पॉलिटिशियंस में जो किताब जिन्होंने लिखी है जो जिंदा है गौर अयूब, उनमें हाँ गौर अयूब है उनकी किताब है, तो इसमें जो दो हैं कसूरी साहब और गौर अयूब, ये तो अंग्रेजी में लिखी है, और चौधरी शुजात साहब की किताब जो है वो उर्दू में। उसके अलावा तो, जनरल मजीद तो खैर फौत हो गए, तो ये जो लोग हैं ना जी, ये तो सियासत ही वजह शोहरत है ना इनकी, इन्होंने कहा सियासत से भी ताल्लुक, तो देयर इज अ ताल्लुक है, देयर सीम्स टू बी अ कैच देयर। अच्छा, एक तो डॉक्टर नदीमुल हक है, उनकी भी एक किताब है, और वो डिप्टी चेयरमैन भी रह चुके हैं प्लानिंग कमीशन के। उसके अलावा आजकल वो एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, पाइड के वो वाइस चांसलर हैं, दैट्स राइट, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के। ये किताब बड़ी इंटरेस्टिंग है, हाउ पाकिस्तान बिकेम एन एशियन टाइगर इन 2050। तो कमिंग बैक, अच्छा जी, ये गवर्नमेंट में क्या ये किसी सीनियर पोजीशन में रहे हैं क्या ये? अच्छा, पॉलिटिशियन तो इमरान खान भी पॉलिटिक्स ही है और उन्होंने भी किताबें लिखी हुई हैं। डॉक्टर इशरत हुसैन ने किताब लिखी है, इत्तेजाज अहसन ने किताब लिखी हुई है, लेकिन इत्तेजाज की तो वजह शोहरत सियासत ही है ना जी। जी जी, वो तो प्योर पॉलिटिक्स है, लेकिन डॉक्टर इशरत जैसे जो लोग हैं ना उनके बारे में कह सकते हैं कि सियासत से भी ताल्लुक। डॉक्टर इशरत गवर्नर स्टेट बैंक भी रहे हैं जी, वो आईबीए के वाइस चांसलर भी रहे हैं, फिर वो करंदाज के चेयरमैन भी रहे हैं, फिर उनको वो टास्क फोर्स के हेड थे जिन्होंने रिफॉर्म्स करनी थी सिविल सर्विस में, तो उनका काफी लंबा चौड़ा करियर है। बेसिकली वो डीएमजी ऑफिसर, तो इसको नैरो डाउन करें, ये पूछा जा सकता है कि कोई इकोनॉमिस्ट हैं ये पूछिए, तो उससे हफीज पाशा कवर हो जाएंगे और ये इशरत साहब कवर हो जाएंगे, इशरत हो जाएंगे, नदीमुल हक भी हो जाएंगे। अभी कितने क्वेश्चन हुए डॉक्टर साहब? सर 8 सवाल। फैसल साहब, ये कोई इकोनॉमिस्ट हैं? नो, मिनिस्ट्रीज पे आ जाते हैं, और एज का भी मेरे ख्याल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 70 से ऊपर हैं। एज का पूछ। फैसल साहब, इनकी उम्र 70 से ज्यादा है? जी बिल्कुल। 10 सवाल। ओके, अब आपके गौर अयूब आ गए और आपके कसूरी साहब आ गए, दो तो ये आ गए, इसके अलावा सोचिएगा कि कौन है जिसको हम शायद मिस कर रहे हैं। शेरबाज मजारी साहब थे, वो फौत हो चुके, he has died, उन्होंने yes. भी किताब या और एक ब्यूरोक्रेट हैं वो केपीके वाले, रोहिदाद खान उन्होंने किताबें लिखी हैं, और वो ये पूछ लीजिए कि ब्यूरोक्रेट हैं, ब्यूरोक्रेसी में इनका हिस्सा था। फैसल साहब, ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी से रहा? नहीं, तो मतलब है पॉलिटिशियन ही है, तो उसमें गौर अयूब भी हैं और चौधरी शुजात भी हैं, कसूरी साहब भी हैं, ये तीन तो सीधा सीधा ज़हन में आते हैं। या फिर ये पूछा जाए कि ताल्लुक पंजाब से? ये भी पूछ लीजिए, बिल्कुल। फैसल साहब, ताल्लुक पंजाब से? जी। 12 सवाल। अब पूछ लीजिए उर्दू में है या अंग्रेजी में? लेकिन कोई ऐसा शख्सियत जो हम मिस कर रहे हों, मजहबी शख्सियत? मजहबी कौन है जो हयात है, पॉलिटिक्स से भी ताल्लुक है और हयात है और 70 से ऊपर है? 70 से ऊपर है। वजह शोहरत जो है ना वो थोड़ा ट्रिकी है इसका। अब ये देखिए कि 70 साल से ऊपर कौन सी मारूफ शख्सियत है जिसने किताब लिखी है? एक तो चौधरी शुजात ही है, दूसरा गौर अयूब है। उनकी तो वजह शोहरत सिर्फ पॉलिटिक्स है ना जी, इन्होंने कहा पॉलिटिक्स से भी ताल्लुक। सर आपने ताल्लुक पूछा है, आपने उनसे पूछा नहीं वजह शोहरत। नहीं, वही ना, उन्होंने कहा सियासत से भी। इफ मल्टीपल चीजों से लिंक्ड हो अगर कोई, तो फिर उसके बाद आपने वैसे सवाल किया नहीं कि वजह शोहरत कोई और है या ये है, आपने सवाल ही नहीं किया एक्चुअली। चलिए पूछिए। फैसल साहब, वजह शोहरत जो है वो सियासत है इनकी? जी बिल्कुल। चिकित साहब, अब तो डिटरमिन हो गया ना, सियासत ही है। सियासत ही है, दैट्स राइट, वो हम मिसगाइड हुए थे पहले ना। अब उर्दू और अंग्रेजी का पूछ लेते हैं, इनकी किताब जो है ओरिजिनली उर्दू में है या अंग्रेजी में? पूछिए जी। फैसल साहब, इनका ताल्लुक गुजरात से? नो। फॉरेन मिनिस्टर का पूछ लें। फॉरेन मिनिस्टर कौन? खुर्शीद कसूरी साहब जी। हाँ, खुर्शीद कसूरी जो हैं, ही इज अ लॉयर बाय ट्रेनिंग। ये लॉयर हैं, इनके वालिद भी बहुत मारूफ लॉयर थे, महमूद अली कसूरी साहब। का आईन लिखने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। यस,
भुट्टो साहब के जो है इनिशियल साथियों में से थे, फिर उनसे इख्तलाफात हो गए उनके। अभी कितने क्वेश्चन हुए हैं जी? 13 क्वेश्चंस। तो फिर अब क्या कुछ एक अंग्रेजी में किताब लिखी है या फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं? फॉरेन मिनिस्टर का पूछ लें। फैसल साहब ये फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं? नो। कसूरी साहब भी निकल गए। अब हमें प्रॉब्लम है कि हमने किसका नहीं सोचा हुआ, जो 70 साल से ऊपर है, हयात है, बजाय शोहरत जो है वो पॉलिटिक्स ही है। हमने सहाफत का नहीं पूछा। सहाफत में कौन जहन में आता है? मुझे अयाज अमीर जहन में आते हैं। अयाज अमीर hasn't written a book। आमिद खान हो सकते हैं। आमिद खान ने किताब लिखी थी? या उनकी 2-3 किताबें हैं। बड़ी अच्छी किताबें हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पे। किताब तो मैंने भी लिखी है जनाब, घोड़ा कैसे चलता है। ये किताब का टाइटल है आपकी जनाब? इसका मतलब है आपने अपनी किताब भी नहीं पढ़ी। आपकी किताब का उनवान है फरजंदे पाकिस्तान जनाब। सर 14 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अच्छा जी, शेख रशीद भी हो सकता है वैसे तो? कोई शक नहीं है इसमें। तो रावलपिंडी से ताल्लुक ये पूछा जा सकता है। फैसल साहब ताल्लुक रावलपिंडी से? नो। फैसल साहब बीजू को चुन के पर्सनैलिटी लाए हैं। 15 सवाल। पॉलिटिशियन इनका वजह शोहरत है पॉलिटिक्स, और किताब लिखी हुई है। उर्दू अंग्रेजी का हमने अभी तक नहीं पूछा। अभी हामिद खान के अलावा और कोई जहन में नहीं आता बंदा। सोचते हैं, देखते हैं जो पॉलिटिशियंस हैं। ये पूछा जाए कि वकील हैं पेशे के एतबार से? बहुत से जो है ना पॉलिटिशियंस सिंध से भी हो सकते हैं ना। अब सिंध में भी हमने तो पंजाब का कंफर्म कर लिया ना, पंजाब से ताल्लुक जी सर। आप पंजाब का सवाल कर चुके हैं। एतजाज अहसन ने किताब लिखी है? बिल्कुल, एतजाज ने तो लिखी है ना, इंडस सागर। या पूछिए कि नाम इंडस सागर का पूछ लें। ये पूछ सकते हैं कि वकालत के शोबे से ताल्लुक? हामिद खान और एतजाज दोनों कवर हो जाएंगे उससे, ठीक है वहां से पूछ लें। फैसल साहब वकालत के शोबे से ताल्लुक? जी सर। बहुत अच्छे, वाह जी वाह। इंडस सागर पे आ जाए जी। या पीपल्स पार्टी से ताल्लुक? पीपल्स पार्टी से ताल्लुक भी पूछ लीजिए। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक फैसल साहब? जी बिल्कुल। इंडस सागर के ऑथर? जी हाँ जी। एतजाज अहसन का पूछा आपने? जी बिल्कुल। एतजाज अहसन जो है हमारे बहुत पढ़े लिखे सियासतदानों में से हैं। इन्होंने एचिसन कॉलेज, फिर गवर्नमेंट कॉलेज और फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने तालीम हासिल की जी सर। और बैरिस्टर हैं, तो बैरिस्ट्री की ट्रेनिंग इन्होंने लंदन से ली और सीएसएस का इम्तहान इन्होंने दिया था और उसमें टॉप किया, लेकिन सिविल सर्विस ज्वाइन नहीं की और फिर ये सियासत में आ गए। तहरीक इस्तकलाल में भी रहे और फिर पीपल्स पार्टी में काफ़ी अरसे से एक्टिव हैं। रियासत होगी माँ के जैसी जी, हर शहरी से प्यार करेगी जी जी, ये नजम है इनकी। बहुत ही बैलेंस्ड सियासतदान है। इन्होंने कभी भी आउट ऑफ द ओवर द टॉप कभी बात नहीं की, बड़ी मुतदिल बातें करते हैं, बड़े बैलेंस के साथ बातें करते हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फाउंडर्स में से हैं। वाह, प्लीज यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, अपने चैलेंजर के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद इरफान। इरफान साहब आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा हरनाबा जिला बहावलनगर से। जी सर, इरफान साहब शख्सियत मर्द? हाँ जी। एशिया से ताल्लुक? यस। जिंदा? यस। तो पाकिस्तान पे चले या साउथ एशिया? और बहावलनगर ही चले सीधा सीधा, मेरा ख्याल है पाकिस्तान पे ही चलते हैं। ताल्लुक पाकिस्तान से? नो। ये है सच्ची दिखा के खभी मारना, है ना, ऊपर से साउथ एशिया भी। इरफान साहब। हाँ जी सर। दिखते तो आप मासूम हैं लेकिन आप बड़े शातर हैं। क्वार्टर के बंदे पेप्सी जी इंडिया से नहीं। ताल्लुक इंडिया से? यस। इधर शोबे पे आए। ताल्लुक सियासत व हुकूमत से इरफान साहब? नो सर। शोबे से? नो। स्पोर्ट्स? नो। बिग बिजनेस? यस। वाओ, एक तो आपके अंबानी हैं मुकेश। यस yes. और उसका भाई मित्तल, अनिल अंबानी। मित्तल अनिल अंबानी
Mittal is a different family. Mukesh और अनिल अंबानी. Mukesh is the richer one. दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया. धीरू भाई अंबानी के बेटे हैं ये. वैसे तू नून लीग दा ना, तेनू पैसे वाले बंदे बड़े याद. रिलायंस इंडस्ट्रीज इनका वो है. फिर टाटाज हैं और एक अदानी भी हैं. अडानी कुछ कुछ खबरें ऐसी भी आई हैं कि अदानी हैज एक्चुअली ओवरटेकन मुकेश अंबानी. नॉट येट सर. मतलब इस तरह की कुछ खबरें मैंने देखी. 2.5 बिलियन डॉलर्स का फर्क है. आप बड़ा जानते हैं. देखिए अंबानी का जो है ना कि मेन बिजनेस जो है वो टेक्सटाइल ही था. रेयॉन जी ठीक है ना. इनके वालिद जो है धीरू भाई उनको रेयॉन प्रिंस भी कहते थे. तो एक तो ये है ठीक है ना. फिर इनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो मीडिया में भी है. रिलायंस इंडस्ट्रीज इनकी डिटेल में भी इन्वेस्टमेंट्स हैं. इनकी स्टील में भी शायद हैं. आईपीएल में क्रिकेट टीम है जी इनकी. और इन्होंने पूरे इंडिया को बहुत सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड किया हुआ है. वाईफाई कनेक्शन शिकिल साहब इसको नैरो डाउन करना शुरू. और इसमें अजीम प्रेम जी भी आते हैं जिनको कहा जाता है इंडिया की आईटी इंडस्ट्री का जार. जी जी बिल्कुल. विप्रो. विप्रो वाले. विप्रो या इंफोसिस. विप्रो है उनकी. तो बहुत बड़ी कंपनी है. फिर आपके टाटाज हैं. रतन टाटा हैं. वैसे तो बिरला भी हैं लेकिन आजकल जो है आदित्य बिरला ग्रुप. ठीक है जी. रिलायंस पे आए पहले. नौ सवाल. अच्छा अभी अभी हम अगर ये करें कि दुनिया के जो अमीर तरीन लोग हैं या इंडिया के टॉप जो 5 रिचेस्ट लोग हैं उनमें आते हैं. इरफान साहब ये जो साहब हैं इंडिया के जो 5-6 अमीर तरीन लोग हैं उनमें आते हैं. हाँ जी. तो हिंदू हैं इरफान साहब. इरफान जी. इरफान वर्गे ट्रैफिक वार्डन होते हैं. पहले दिन ही छड़ते जाते गड्डी वज जाती. मुकेश अंबानी ने तो अभी एक शादी भी की थी ना बेटी बेटी की. बेटी हाँ बेटी बेटी की. फिर उसका घर जो है उसमें 100 कमरे. 100 कमरे तो बहुत कम है. बहुत बड़ा वो तो मंजिल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है. इनके घर का नाम है एंटीला. मेरे ख्याल से पत्नी एलेंटा ऐसे करके नाम. ये नैरो डाउन करें. रिलायंस. इरफान साहब रिलायंस ग्रुप से ताल्लुक है. नो सर. ओए गया अंबानी नहीं. ये जो है टाटा और बिरला मेरा ख्याल 5-6 में नहीं आते अब. ये टाटाज हैं. टाटाज हैं जो भी हैं. टाटा का जो अभी हेड है उन्होंने शादी नहीं की और बहुत ही सादा जिंदगी गुजार जी. उनका वो कैंसर हॉस्पिटल है बड़ा मशहूर. उन्होंने भी मुंबई में तालीमी इदारे उन्होंने बहुत कायम किए हैं. 12 सवाल. 2 जो हैं ट्रेडिशनल जो वहाँ की अमीर तरीन फैमिलीज हैं वो तो टाटा और बिरला हैं लेकिन ये बाकी जो हैं ये रिसेंट फिनोमेनन है पिछले 20-25. हैं मित्तल. हाँ लक्ष्मी मित्तल. लक्ष्मी मित्तल. मित्तल साहब ने कुछ अरसा पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को $25 मिलियन का एक डोनेशन दिया था और अब उस इदारे का नाम जो है वो उनके और फैमिली के नाम पे है. लक्ष्मी मित्तल एंड फैमिली इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशियन अफेयर्स. ये हार्वर्ड का सवाल पूछे इसी से एलिमिनेट हो जाएंगे. और वो स्टील का काम है उनका एक्चुअली ज्यादा जो है ना. स्टील किंग है वो. जी इरफान साहब इनका ताल्लुक स्टील इंडस्ट्री से है. हाँ जी. हार्वर्ड वाले पे. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को इन्होंने $25 मिलियन का अतिया दिया था. हाँ जी दिया. लक्ष्मी मित्तल पूछा आपने. हाँ जी. वाह 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 वाह. लक्ष्मी मित्तल जो हैं काफी अरसे से इंग्लैंड में रहते हैं जी सर लेकिन उन्होंने अपना इंडियन पासपोर्ट नहीं छोड़ा. उनका घर जो है लंदन में इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव हाउसेज In the UK. Bishop's Avenue. जी. Hello. Bishop. London में जो बहुत expensive सड़क है, area है, वो है Bishop's Avenue. वहाँ पर बड़े-बड़े घर हैं और बहुत ज़्यादा महंगे हैं. अच्छा एक फैमिली जो हम मिस कर गए थे वो हिंदुजाज थे. जी जी. हिंदुजा सीमेंट. वो भी बहुत बड़े बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप है. और इनमें सब में एक चीज मुश्तरक है कि ज्यादातर ये जो है बहुत सादा जिंदगी गुजारते हैं. जैसे वॉरेन बफेट हैं जी जो अमेरिका के बर्कशायर हैथवे के हैं वो भी बड़ी सादा जिंदगी गुजारते हैं आज भी. जिन्हें सेज ऑफ ओमाहा कहा जाता है जी, उसी घर में रहते हैं जिससे कुछ 60 साल में वो रह रहे हैं और बिल्कुल पुरानी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं.
बिल्कुल। और उन्होंने अपनी 99% जो वेल्थ है वो डोनेट कर दी है चैरिटीज के नाम, और ये भी नहीं चाहते कि कोई यूनिवर्सिटी उनके नाम पे हो या किसी ब्लॉक का नाम उनके नाम पे हो। बहुत सारी दौलत तो उन्होंने बिल गेट्स को दे दी, उनकी जो फाउंडेशन है। वाह वाह FSJ साहब, देखें ऐसे लोग हमारे मुल्क में क्यों नहीं है? हैं शेख साहब, हैं। कहाँ हैं? ऐसे नहीं तो नहीं है, हैं। फिल साहब माशाल्लाह बह बह के थोड़ी शर्ट खुली होगी। अच्छा Yes, ये थी आज के एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।